खरगोन के संयपस्थक राम बलवाड़ी में मंगलवार देर रात अज्ञात हमलावर ने एक महिला के घर में घुसकर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। गांव में हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी अनुसार मैनगांव थाने की जेतापुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बलवाड़ी में संगीता पति चंपालाल उम्र 45 वर्ष को घर में घुसकर अज्ञात युवक ने गले पर चाकू मार दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को आसपास के रहवासी आनन फानन में खरगोन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां खरगोन जिला अस्पताल में महिला का उपचार जारी है। वहीं पूरे मामले में अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार महिला के गले पर करीब 8 से ज्यादा टाके लगे हैं। महिला का जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में उपचार जारी है। इधर पूरे मामले में पुलिस ने भी जांच शुरू की। हालांकि अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्द पुलिस आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। समथिंग 8:30 की बात है, मैं शॉप पे था, मैं इसके मेडिकल पे जॉब करता हूं और मेरे पापा बाहर गए थे, तो मुझे फ़ोन आया मतलब 8:00 समथिंग दीदी का, तो बोले आपके यहाँ कोई चाकू मार दिया अपनी मम्मी को। तो मैं वैसे ही बाइक लेकर घर पे गया, तो मेरे मम्मी को कोई चाकू मार के गया था। कोई अज्ञात व्यक्ति है घर में आया था, मेरे को जानता भी नहीं उसको, वो मेरा नाम लेके घर में घुसा, मम्मी से पानी वानी मांगा और मम्मी को चाकू मार के चले गया। अकेले थे मम्मी, अकेले थे, पापा बाहर गए थे, मैं शॉप पे था। हाँ, टाके आए मम्मी। क्या नाम है? सूरज नाम दिया मेरा, बलवाड़ी सोनीपुरा का। कोई अज्ञात व्यक्ति आया था उनके घर पे, महिला अकेली थी घर पे, तो उन्हें पानी वानी मांगा, इसी दौरान वो अज्ञात व्यक्ति ने कहीं कोई धारदार हथियार से महिला के गले में मार दिया, जिससे इलाज हेतु फिर अस्पताल में भर्ती हुई है। महिला का नाम है संगीता बाई, पति चंपालाल नामदेव, निवासी बलवाड़ी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घटाराम। रात को एक महिला संगीता नाम की थी, 45 ईयर फीमेल को लाया गया था। उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया था चाकू से। गले में चाकू का निशान था, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट करते उसको सूचर वगैरह रिपेयर करके कैजुअलिटी में करके उसको एडमिट किया गया। अभी महिला की स्थिति स्थिर है, अभी अंडर ट्रीटमेंट में रखा गया है उसको। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता। संगीता, क्या हुआ था आपके साथ? दूध लेके आई, फाटक लगाई और किचन में दूध गर्म कर रही, तब फाटक ठोकी। मैंने सोचा भाई वो आ गए होंगे, मैंने खोल दिया, मैंने कहा भैया आप कौन है? तो बोले वे तुम्हारे, मैंने नाम नहीं बताया भाई को, बोला आपके सूरज का दोस्त हो, बोले मैं पानी पीना चाहता हूँ, बोले मैंने कहा बाहर खड़ा रहो पानी देऊंगी। वो सीधा अंदर चला है और फिर मैं कई काम नहीं, सुबह बैठ गई, बिल्कुल मुंह दवा है ना मार देगा, तो पानी पी लिया। आपको क्या चाकू मारा क्या? हाँ, गले में। हाँ, गले में। आप पहचानते हो? नहीं, ऐसा कहने ठीना सा आएगा। घर में कौन था? घर में कोई भी नहीं था, अकेले थे। हाँ, 22-23 साल का उम्र का है। कहाँ रहते हो? सोनीपुरा। तब की घटना है, कितने बजे हुआ? 8:15। चाकू था क्या? था क्या? चाकू था, कटारा के छोटे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।